अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी दो मैट्रिक्स को एक दूसरे के इक्वल होने के लिए उन्हें दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली कंडीशन, उनकी ऑर्डर्स सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन, उनके ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में देयर आर टू रोज एंड टू कॉलम्स, तो ये एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के इक्वल जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 2x2 ही होना चाहिए। रही बात करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने की, तो इसका मतलब जिस तरह से इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 1 है, इन द सेम मैनर इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 1 होगा। जिस तरह से इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट 2 है, इन द सेम मैनर इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट 2 ही होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, अगर इस पोजीशन पे 3 है तो इसमें भी इस पोजीशन पे 3 होगा, और इस पोजीशन पे 4 है तो इसमें भी इस पोजीशन पे 4 होगा, और इस तरह से दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर? आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वह पहले से ही दिया हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमें फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनके ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसलिए यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा? 9 के। दूसरा, एक्स प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। और y प्लस जेड इक्वल हो जाएगा 7 के। इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप x प्लस जेड के लिए यहां पे रख दें तो आप देख सकते हैं 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 बन जाएगा, और यहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। और इस y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दें, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो यहां से आपको जेड मिल जाएगा 3। और जेड की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दें तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, यू विल गेट एक्स की वैल्यू किसके इक्वल? 2 के इक्वल। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है, और जेड की वैल्यू 3 है। क्लियर?